ये देखो भाई, ऐसा लगा बिल्कुल पीछे से कोई निकला है, पर दूर दूर तक तो यहाँ पे कोई नहीं है। लाइट फुल है, कैमरा घुमा दिया मैंने, देख लो इधर भी देख लो। ये देखो भाई, धुंध भी पड़ने लगी है। ओए ये कता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द डेविल स्पिरिट की नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं आपका भाई निखिल। तो दोस्तों आज की जो लोकेशन है मैं विजिट करने के लिए आया हूं, ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन है दोस्तों। यहां की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। पहले तो मैं यहाँ की स्टोरी सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ की स्टोरी क्या है। और दोस्तों यहाँ पे इस लोकेशन पे बार बार आने का कारण दोस्तों यही है कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि इस पार्ट का, इस लोकेशन का अगला पार्ट लाओ, अगला पार्ट लाओ। हम भी दोस्तों बार बार यहाँ पे आके आपको बताइए कितने अपने पार्ट बना लिए हैं, तो हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पर आपकी डिमांड होती है दोस्तों कि यहाँ पे बार बार मतलब दोबारा पार्ट इसका लेकर आओ, अगला पार्ट लेके आओ। तो दोस्तों कोशिश ये रहती है कि आपकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी करें। तो यहाँ की स्टोरी दोस्तों ये थी कि यहाँ पे एक पास ही में एक गाँव है, वहाँ पर एक था लड़का, बच्चा मतलब 14-15 साल का होगा। तो उसकी जो हरकतें थी वो लड़कियों वाली हरकतें थी, एक तरह वो किन्नर टाइप था। लड़का था तो वो लड़का ही, पर उसकी जो हरकतें थी वो लड़कियों वाली थी, था वो किन्नर। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया दोस्तों उसमें बदलाव आते गए, जैसे कि लड़कियों के धीरे धीरे कपड़े पहनने लग गया था वो, उसके सारे शौक लड़कियों वाले होने लग गए थे, जिसकी वजह से उसके दोस्त वगैरह, उसके रिश्तेदार सारे उसको चिढ़ाने लग गए थे। अभी जो मेन लोकेशन है अभी अंदर जाकर दिखाऊंगा दोस्तों। स्कूल के बाद वो किसी टाइम पर यहाँ पर खेलने के लिए आते थे, तो किसी टाइम पर जब उसके पानी सर से ऊपर होगा, मतलब उसके खुद के घर वाले रिश्तेदार उसको चिढ़ाने लग गए थे, तो उसने यहाँ पर आकर सुसाइड कर लिया था। क्योंकि जब वो छोटा था पहले उसको समझ नहीं थी इतनी, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसको पता चल गया कि मैं क्या हूँ और लोग मुझे क्यों चिढ़ाते हैं। तो दोस्तों यही यहाँ की स्टोरी है, तब से लेके अब तक कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा यहाँ पे भटकती है। दोस्तों हमने पहले भी यहाँ पे पार्ट शूट किए हैं दोस्तों, बहुत सारे रिजल्ट हमने कैप्चर किए हैं, एक्टिविटी कैप्चर करी है। तो आज भी दोस्तों देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों, बैक कैमरा ऑन करूँगा लोकेशन पर। दोस्तों ये आ गया मैं लोकेशन के ऊपर, पहले तो मैं व्यू दिखा दूं आपको अच्छी तरह। दोस्तों लाइट मैंने फुल की है क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आपको अंधेरा थोड़ा लग रहा होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी दिखा दूंगा दोस्तों जितना मुझसे होगा। ये देख लो, यहाँ देख लो आप, लाइट फुल की हुई है, मैंने पता चल रहा होगा आपको। इस लोकेशन की बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डिमांड आती है, बहुत ही ज़्यादा। हमने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे पार्ट शूट किए हुए हैं, आप दिख लेना दोस्तों चैनल पे जाके आपको दिख जाएंगे। और ये जा रहा रास्ता अंदर की तरफ को, अगर आपको दिख रहा होगा, और ये रास्ता भी घूम के ऐसे दूसरी तरफ से इधर को आएगा अंदर की तरफ। हुए भैया, नोटिस किया, एक आवाज़ आई है भाई चीख की। कौन है भाई? बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई है, किसी के चीखने की आवाज़ आई है। भाई कोई तो है यहाँ पे, ये देख लो। जितना मुझसे होगा दोस्तों मैं यहाँ पे रुकने की कोशिश करूँगा आज भी। ये देख लो, ये वही लोकेशन है किन्नर की, अगर आपने पहले वीडियोस देखी होगी हमारी। ये क्या था, ताली की आवाज़ आई है भाई, ताली की आवाज़ आई है इधर है, ये पेड़ की तरफ से ताली की आवाज़ आई है बिल्कुल साफ। अभी मैं अंदर ही आया हूँ लोकेशन के दोस्तों, पहले चीख की आवाज़ जब मैं वहाँ बाहर था बिल्कुल क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड हुई है वो भी, और अब ताली की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आई है ये भी। ये देख लो भैया, थोड़ा आगे चलता हूँ, यही है वो लोकेशन यहाँ पे उस लड़के ने सुसाइड किया था इस पेड़ पे लटक के। भाई 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 देखो, ये भी देखिए आवाज़ बिल्कुल क्लियर आई होगी आपको। ये देख लो पीछे कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। कौन है यहाँ पर? ये देख लो भाई, वो पीछे कुछ नहीं है इसके, अभी आवाज़ पीछे की तरफ से यहीं से आ रही थी कहीं से। ये देखो भाई 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 भाई, अभी इधर से आवाज़ आई है, बिल्कुल सामने कोई नहीं है, कैमरा इधर ही था, इधर से सामने से आवाज़ आई है, तालियों की आवाज़ लगातार दोस्तों आ रही है यहाँ पर। ओए भाई भाई,
अब देखो पीछे से ऐसा लगा, वो देखिए मुझे पता है कि आप यहाँ पर हो, तो आप बिना नुकसान पहुँचाए मेरे सामने अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। पहले भी हम यहाँ पर आ चुके हैं, मैं पहले भी बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, तो आज भी आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए आपकी जगह पे मैं आया हूँ। दोस्तों अगर एक लाइट जल रही होगी आपको दिख रही होगी सामने, वो लाइट नहीं है, वो मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पर, उसकी नंबर प्लेट चमक रही है भाई, लगातार एक्टिविटी हो रही है। देखो यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये देखो भैया, देखिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे कैमरे के सामने आना चाहते हो, मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हो, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो, ये देखो भाई ऐसा लगा बिल्कुल पीछे से कोई निकला है, पर दूर दूर तो यहाँ पे कोई नहीं है, लाइट फुल है, कैमरा घुमा दिया मैंने, देख लो इधर भी देख लो, ये देखो भाई धुंध भी पड़ने लगी है। ये कता भाई ऐसा लगा कुछ निकला यहाँ से, कैमरा मैंने एकदम से घुमाया, भाई 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 कैप्चर होगी चीज़ एक बार वो पक्का इस, वो ऊपर क्या कुछ पड़ा है क्या ऊपर, एक मिनट ये क्या पड़ा ऊपर भाई, कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, होए होए भाई बिल्कुल साफ चीज कैप्चर हो गई है, ये क्या है भैया, ये देख लो ये चूड़िया वगैरह कोई रख के गया मेरे ख्याल से, शायद उसी के घर में से कोई आया होगा उसकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि उस लड़के को लड़की बनने का शौक था, मतलब लड़कियों वाले उसके कारनामे थे सारे, एक तरह वो लड़की था जो कि लड़के के रूम में पैदा हुआ था, ये देख लो दिख रहा होगा अगर आपको, ये चूड़ी पड़ी हुई है, यहाँ पे भी चूड़ी पड़ी है, ये धूप बत्तियाँ, ये क्या है इसमें भी देखो काफ़ी सामान कुछ पड़ा हुआ है, ये मौली पड़ी हुई है बांधने वाली, तो दोस्तों कोई ना कोई यहाँ पर आया था, ये शायद बाजरा वगैरह पड़ा हुआ है, ये देखो बोरे के अंदर जैसे ये नीचे गिरा हुआ है ना, यही लग रहा है मेरे को, और कोई मेरे को लग रहा है उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे ज़रूर आया था, उसकी फैमिली में से या कोई उसका संबंधी आया होगा जो उसके बारे में जानता था। ओ भाई ओ भाई ये देख लो बिल्कुल सामने लगातार आवाज़ें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ घूम रहा है मेरे, ओए भाई इस स्टूडियो से तो दोस्तों आपको प्रूफ मिल गया होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई उसके लिए कुछ मन्नत मांग के या कोई कहते नहीं है उसकी शांति के लिए कुछ भी करके गया है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो ये चूड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसी पेड़ के नीचे देख लो जहाँ पे उसने सुसाइड किया था, इस बोरे के अंदर पता नहीं क्या है, इसको मैं खोलूँगा नहीं, ऊपर किसी ने पत्थर रख के शायद बंद किया गया इसको, तो इसको मैं खोलूँगा नहीं दोस्तों, देख लो इसी पेड़ के नीचे उस, ओए होए होए हो भाई 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 ये देखो, ये देखा कौन है, देखिए ऐसे अगर आप सामने आना आ सकते हो तो आ जाओ, आपकी जगह पे खड़ा हूँ मैं अकेला, ये देखो भाई आपकी जगह पे खड़ा हूँ अकेला, पहले भी आया था अभी भी हूँ, अगर आपको कोई मदद चाहिए या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो मेरे सामने आके आप मुझे बता सकते हो, बिल्कुल शांति होगी दोस्तों, क्या आप मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हो, ओ भाई 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 ये क्या, ये देखो अब बिल्कुल क्लियर फिर से ताली की आवाज आई है, ओ भाई 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 क्या आप फिर से कोई भी एक्टिविटी या कोई भी आवाज़ करके मुझे एक बार दोबारा बता सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ करके कुछ भी करके,
दोस्तों एक वो देख लो भाई, वो बिल्कुल सामने आपके आवाज़। मैंने बोला कि अगर आप फिर से कोई भी एक्टिविटी कोई भी आवाज़ करके बता सकते हो, एक आवाज़ आई है बहुत अजीब, रिकॉर्ड हुई होगी। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, कहीं दूर यहाँ से कोई जागरण वगैरह चल रहा है, आपको पता है रामलीला वगैरह का टाइम है ना, तो कहीं ना कहीं फंक्शन कोई चल रहा है जिसकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही होगी, तो उसको इग्नोर कर देना थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा देखो वहाँ तक लाइट भी नहीं जा रही, दूर दूर तक इतनी दूर दूर का गैप है यहाँ पे। भाई 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 कोई कोई फिर से कौन है ये देख लो भाई, भाई 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 ये देख लो भाई, फिर से इधर भी दिखा देता हूँ मैं भाई, कोई चीज़ कैप्चर हुई है फिर से, कोई ब्लैक शैडो थी पता नहीं क्या था, इस बार पक्का रिकॉर्ड हुई है वो चीज़। वो ये देखो भाई कोई चीज निकली है पास से बिल्कुल, ये मिट्टी भी पता नहीं मिट्टी उड़ रही है क्या है ये भाई, इस बार पक्का कोई चीज रिकॉर्ड हो गई है कैमरे में। देखिए मैं यहीं पर बैठा हूँ, मैं डर के भागूंगा नहीं आज आपसे, आपकी जगह पर बैठा हूँ अकेला। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो आप मुझ पे अटैक कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे कुछ बातचीत करूँ तो आप मेरे सामने आ सकते हो, बिल्कुल कैमरा मैंने पेड़ की तरफ किया हुआ है, किसी भी तरह किसी भी रूप में। भैया ये आवाज़ें आई है पक्षी की, बात पर उसी टाइम पे आवाज़ आई है, कौन है भाई देख लो, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर, भाई देख लो दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर, इस साइड से भी पक्षियों की आवाज़ आई थी अगर आपने सुनी होगी जैसे ही मैंने सवाल पूछा। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बिना नुकसान पहुँचा, अगर आप मेरे सामने अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं आपको कोई नुकसान पहुँचाऊँ ना कुछ करूं, आपकी जगह आप ही की रहेगी है। ये देखो भाई कदमों की आवाज़ आ रही है, ये देखो मैं एक जगह खड़ा हूँ, ये देखो कौन है, क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे रुकूँ आपकी जगह पे, अपनी आप मौत के बारे में कुछ बता सकते हो कि आपने खुद ने सुसाइड किया था या आपको मारा गया था, मुझे पता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ओए भाई भाई ये देखो, देखिए आप ऐसे कभी इधर दिख रहे हो मुझे, कभी पीछे दिख रहे हो। ओए ओए भाई भाई वो देखो फिर से कोई चीज़ आई है, पहले यहाँ दिखी है फिर यहाँ पे, फिर से चीज़ इधर से उधर जा रही है, देखिए आप ऐसे इधर से उधर जा रहे हो, अगर आप मुझसे कुछ मदद चाहते हो तो मेरे सामने आ सकते हो आप। भाई वो देखो सामने कोई चीज़ दिख रही है, कौन है भाई, सामने कोई चीज़ जा रही है, ब्लैक शैडो दिख रही है, देख लो भाई सामने कोई चीज़ जा रही है भाई, कोई चीज़ है भाई, देखो रिकॉर्ड हो रही है कोई चीज़, ब्लैक शैडो है, वो देखो मैं आपसे डर के भागने वाला नहीं हूँ, वहीं पर रुक जाओ आप जो भी हो भाई, देख लो अभी भी मेरे को दिख रही है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होगी पर मेरा ध्यान सामने है बिल्कुल भाई, वो देखो चीज़ चलेगी निकल के सामने। ओ कौन है भाई, चीज़ें अटैक कर रही है, थप्पड़ मार रही है,
देखिए मैं कह रहा हूँ बिना नुकसान बताए, अगर आप मेरे सामने आना चाहते हैं तो आ जाओ। भाई 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 क्या करूँ, अब वो चीज़ अटैक कर रही है। देखिए मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पर आकर या आपको कुछ गलत बोलकर। मेरा मकसद आपको कोई नुकसान पहुँचाने का ना आपकी कोई भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। भाई 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 ये देखो, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे फिर से, आप शांत हो जाइए, आप मुझ पर अटैक ना करें, ऐसे हमला ना करें। भाई अब शांति हो गई है, वो चीज़ ने अटैक किया, थप्पड़ लगे हैं मेरे दो, एक धक्का भी लगा। भाई वो चीज़ मेरे को लग रहा है, भाई अभी भी पैरों की आवाज़ आ रही, देख लो पीछे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, अभी भी पैरों की आवाज़ लगातार आ रही है और धुंध पड़ने लग गई है। इसमें रिकॉर्ड हो रहा अगर, पता नहीं धुंध है, पता नहीं मिट्टी है क्या है। तो देखिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ आपके लोकेशन को छोड़कर। ओए ओ भाई देखो सामने कोई चीज़ आ गया, सामने कोई चीज़ खड़ी है। भाई वो देखो सामने कोई चीज़ खड़ी है बिल्कुल पेड़ के पास, वो देखो भाई चीज़ चली गई फिर से, पेड़ के पीछे चली गई भाई चीज़, वो फिर से इसी पेड़ के पीछे दिखती है वो बार बार। क्या करूँ भाई, अब आगे जाके देखूँ, वो चीज़ ने अटैक करा है पहले भी, अब दोबारा से अटैक ना कर दे अगर मैं पास गया तो। क्या कहते हो जाके देखूँ एक बार, भाई चीज़ अटैक कर रही है। देखिए मैं एक बार लास्ट टाइम पेड़ के पास आऊँगा, इसके बाद सीधा निकल जाऊँगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा मैं। भाई फटाफट से मैं एक बार पेड़ के पीछे आ रहा हूँ, अटैक मत करना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, बस एक बार देख के चला जाऊँगा सीधा आपकी जगह को छोड़ के अभी के अभी। देख लो भाई, तो दोस्तों मैंने देख लिया, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैंने उस चीज़ से वादा किया था। अब मैं निकला दोस्तों लोकेशन से बाहर, ठीक है मैं जा रहा हूँ आपकी जगह को छोड़कर। ओ भाई भाई वो चीज़ पीछे देखने में मजबूर कर रही है। भाई वो लोकेशन से बाहर आ गया हूँ मैं, जैसा कि आपने अंदर देखा अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी लगातार, स्टार्टिंग से लेके अब तक लगातार एक्टिविटी पर एक्टिविटी हो रही थी, कभी तालियां की आवाज़ आ रही थी बिल्कुल क्लियर, और जो चीज़ दो से तीन बार कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, वो चीज़ ने एक बार मेरे पे अटैक भी करा है। वो चीज़ नहीं चाहती दोस्तों कि यहाँ पे कोई आए, हमें भी दोस्तों अभी भी शायद अंदर से एक आवाज़ आई है अगर आपने सुना होगा ध्यान से। तो दोस्तों लोकेशन छोड़ के मेरे को आना पड़ गया क्योंकि वो चीज़ अटैक करने लगी थी मुझ पर। वीडियो के अंदर दोस्तों मैं यहीं पर कर रहा हूँ, मिलते हैं किसी अगली हॉन्टेड लोकेशन में, तब तक देखते रहो द डेविल स्पिरिट, राम राम। वीडियो को दोस्तों शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, अब वीडियो लेट नहीं आएगी दोस्तों, वीडियो आएगी टाइम टू टाइम, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। गुड नाइट दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।